हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड है ये आपके लिए कैसा है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर इसके पिछले रिकॉर्ड कैसे हैं, पिछला रिटर्न कैसा मिला है इसमें, और आगे आने समय में इसको रिटर्न कैसा मिल सकता है। तो चलिए इन सब पे हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड है, ये फंड है क्या चीज। देखिए, जो ये फंड है ये एक फाइनेंशियल सेक्टर का फंड है, मतलब कि जो ये फंड है इसका जितना भी जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक आते हैं। आप चाहे बैंक स्टॉक देख लीजिए, चाहे एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, SBI हो, आप चाहे NBFC को दे सकते हैं। NBFC में आता है आपका बजाज फाइनेंस आ जाएगा, मुथूट फाइनेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस में आप दे सकते हैं ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस। तो ये सब जो स्टॉक्स हैं ये इसके अंदर आते हैं। यानी कि जो आपका SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड है, इसके अंदर आपको सारे के सारे जो आपको स्टॉक्स मिलेंगे वो पूरे ही फाइनेंशियल सेक्टर के ही मिलेंगे। यानी कि ये जो एक आपका ये म्यूचुअल फंड है ये एक सेक्टोरल फंड है, या फिर आप थीमेटिक फंड बोल सकते हैं। और वो सेक्टर कौन सा है, वो सेक्टर है फाइनेंस का। तो अब आइए ये देखते हैं कि जो ये फंड है पिछले सालों में आपको रिटर्न कैसा दिया है। तो चलिए ये स्क्रीन पर हम ये देखते हैं। तो अगर हम स्क्रीन पर देखते हैं तो अगर पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले जो एक साल का रिटर्न है वो करीब 63% के आसपास इसमें आपको मिला है। और अगर पिछले तीन साल के रिटर्न की बात करें तो इसमें जो पिछले तीन साल का रिटर्न मिला हुआ है वो करीब 14.5% है। और अगर बात करें पिछले पांच साल के रिटर्न की, तो अगर पिछले पांच साल के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न जो है वो करीब 19% के आसपास मिला हुआ है। और अगर इंसेप्शन से देखें कि इंसेप्शन से यानी जब से फंड लॉन्च हुआ है, और ये फंड लॉन्च हुआ है 2015 में, अगर तब से इसका जो हम रिटर्न देखते हैं तो इसका जो रिटर्न अप्रॉक्स 16% के आसपास आता है। अगर इसे कैटेगरी एवरेज में जाएंगे तो कैटेगरी एवरेज से भी ये फंड आउट परफॉर्म किया है। आप चाहे एक साल का देखें रिटर्न, चाहे तीन साल का, चाहे पांच साल का, तीन साल रिटर्न में तो इसने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया। अगर कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखते हैं तो वो 4% ही रहा है, और जो इसका रिटर्न है वो करीब 14.5% है। इसका मतलब ये है कि ये पिछले सालों में इस फंड ने आपको रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। और बात करें कि जो ये आपका फंड है SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड, जिसका एलोकेशन है वो इक्विटी में बहुत ज्यादा है। इक्विटी में अगर आप देखेंगे तो इसका जो एलोकेशन हो रहा है वो करीब 92.82% हो रहा है। और अगर इसमें लार्ज कैप होल्डिंग्स की बात करें कि अगर लार्ज कैप में इसका कितना इन्वेस्टमेंट है तो करीब 52.31% है। मतलब जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो बैंकिंग वाले, जैसे SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC, ये सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और जो कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। और अगर मिड कैप का देखेंगे तो मिड कैप का जब इसका एलोकेशन देखेंगे तो करीब 9.53% है। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में इसका 2.26% आता है। तो अगर इस फंड के NAV की बात करें, जो इस फंड की NAV है वो करीब 25.3 पैसा है। और अगर इस फंड के रेटिंग की बात करते हैं, जो इस फंड की रेटिंग है वो 5 स्टार है। और अगर इसका AUM देखते हैं, यानी कि इस फंड का फंड साइज कितना है, तो वो करीब 2,647 करोड़ के आसपास इस फंड का फंड साइज है। और वहीं अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.88% है। और वहीं अगर इस कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसके कैटेगरी के एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 1.25% आता है। इसका मतलब कि जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है इसके कैटेगरी के एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से बहुत कम है। तो वहीं अगर इस फंड का रिस्कोमीटर देखें तो जो इस फंड का रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई है। वेरी है इसलिए है कि एक सेक्टोरल फंड है, मतलब कि सिर्फ एक सेक्टर में ये इन्वेस्ट करता है, इसलिए ये रिस्क हाई हो जाता है। अब ये रिस्क हाई क्यों हो जाता है कि मान लीजिए कि जो आपका जो सेक्टर है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है जो अभी इस फंड का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो क्या है कि अगर मान लीजिए फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ये जो सेक्टर है करीब 20 से 25% या 30% डाउन हो गया, तो इसमें देखिए आप अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए जितने भी सेक्टोरल फंड होते हैं, वो चाहे IT सेक्टर का हो, वो चाहे फाइनेंस सेक्टर का हो, वो चाहे हेल्थ केयर सेक्टर का हो, वो चाहे फार्मा सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का होगा तो अगर जो सेक्टोरल फंड होते हैं वो हमेशा उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की, तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज। और अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो जिसके फंड मैनेजर है वो है सोहिनी अंदानी और मिलिंद अग्रवाल, ये दोनों इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो जो इस फंड का एग्जिट लोड है वो 0.50% है।
और वो भी कितने टाइम के लिए, अगर एक महीने से पहले अपने आप फंड को रिडीम करते हैं तब आपको इसमें 0.50% देना होगा, यानी कि 30 दिन या एक महीने के बाद अगर अपने फंड को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो अगर बात करें इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, जो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर आप SIP की बात करें तो SIP में वो 500 रुपए है, और अगर आप लमसम की बात करें तो लमसम में वो 5000 रुपए है। तो आइए इस फंड की हम टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आता है HDFC बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, और अगर इसका एसेट एलोकेशन देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है, करीब 23.5% के आसपास। और अगर बात करें ICICI बैंक की तो ये भी एक फाइनेंशियल सेक्टर का ही स्टॉक होगा, और अगर इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो वो करीब 16% के आसपास है। फिर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इस फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, एक बैंकिंग सेक्टर है, और अगर आप इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो वो करीब 9.9% है। फिर आता है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का जो इसमें एसेट एलोकेशन है वो 8.3% है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक महिंद्रा का भी जो एसेट एलोकेशन है वो करीब 8% आता है। और बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस की तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का ही स्टॉक है, और जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 4.8% है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो जिसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 3.4% है। ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 3.4% है। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट फाइनेंस में भी इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 2.9% है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 2% है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो इसका मेजर इन्वेस्टमेंट आता है वो बैंक्स में ही है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, इसमें ही इसका बहुत ज्यादा एसेट एलोकेशन हो गया है, मतलब कि बैंक्स में ही इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इंश्योरेंस में भी इसका कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आता है। अब इस फंड का तो पूरा जो एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में ही आता है, तो अगर हम इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखें तो वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं तो इसका जो 100% एलोकेशन है वो फाइनेंस में ही है। तो ये हम ये देखते हैं कि अगर आपने इस फंड में 1000 रुपए की SIP कर रखी है, 1 साल पहले, 3 साल या फिर 5 साल पहले, तो अगर आपकी 1000 की SIP है तो आज के समय में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए हम ये स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12000 रुपए, और आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी 15138 रुपए। इसमें जो आपको गेन हो रहा होगा यानी कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो जाएगा 3138 रुपए। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, यानी कि 3 साल से आप 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36000, और जो उसकी जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 36000 होगा, और आज के समय जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के बाद वो हो जाएगा करीब 49382 रुपए, और इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 13382 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर मैं बात करें पिछले 5 साल की, यानी 5 साल पहले से आप 1000 रुपए पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60000 रुपए, यानी कि 60000, और आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 94414 रुपीज। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट करीब 34414 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आपने भी देखा कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं इस फंड में, तो आपका जो रिटर्न है वो कितना हुआ, जो आपकी टोटल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि अगर आपने मान लीजिए 10000 रुपए का लमसम में इन्वेस्ट कर रखा होगा 3 साल या 5 साल पहले, तो आज के समय में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए ये भी स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 3 साल पहले 10000 रुपए का लमसम में इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 15017 रुपए, और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 14.5% एनुअल बेसिस पे हो रहा है। और अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, यानी कि 5 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10000 का लमसम में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 23907 रुपए, और इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 19% क्या है एनुअल बेसिस पे आपको इस फंड में प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं इस फंड के रिस्क रेशियोज की। देखिए इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है वो आपको समझना होगा, क्योंकि इसका जो रिस्क रेशियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जो इसके रिस्क के रेशियोज हैं वो क्या डिनोट करते हैं और इस फंड के बारे में क्या बताते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16.02 है, और जो इस फंड का
स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 26.86 है। इसका मतलब कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब कि ये जो फंड है ये बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। कभी आपका रिटर्न ये भी हो सकता है कि नेगेटिव में भी दे दे, और उस तक कभी आपका रिटर्न हो सकता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव में भी हो जाए। मतलब 30% नीचे भी जा सकता है, 30-35% ऊपर भी जा सकता है, इसका मतलब ये है। और अगर इसकी बीटा की बात करें, अगर इस बीटा की बात करेंगे तो जो इसके कैटेगरी के एवरेज का बीटा है वो 0.66 आता है, और अगर इस फंड का बीटा देखेंगे तो 0.9 आता है। इसका मतलब इसका जो बीटा है वो भी बहुत ज्यादा है, और इसका मतलब कि बहुत ज्यादा ये हाई वोलेटाइल स्टॉक फंड है। और अगर बात करें शार्प रेशियो की, तो अगर शार्प रेशियो देखेंगे इसके कैटेगरी के एवरेज का तो वो 0.42 है, और लेकिन जो इस फंड का शार्प रेशियो है वो 0.5 है। इसका मतलब कि ये रिटर्न भी अच्छा दे रहा है, मतलब आपका रिस्क के साथ साथ आपका रिटर्न भी अच्छा दे रहा है दूसरे जिसके कैटेगरी एवरेज से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो। और अगर बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो जो इसका ट्रेनर रेशियो है इसके कैटेगरी एवरेज का वो 0.11 है, और जो इस फंड का ट्रेनर रेशियो है वो 0.15 है। इसका मतलब ये है कि ये रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न भी अच्छा देता आ रहा है। और अभी एक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो है जेंसन अल्फा, यानी कि जो इसका अल्फा है इसके कैटेगरी एवरेज का जो आप अल्फा देखेंगे वो 0.78 है, और जो इस फंड का अल्फा है वो आप देख सकते हैं वो 0.56 है। अब देखिए अल्फा क्या होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, अल्फा वो होता है कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अब जो इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी कि जो SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब कि ये अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा ये रिटर्न दे पाया है। तो जिसके कैटेगरी का एवरेज है वो 0.78 देता आया है, और लेकिन जो इस फंड का अल्फा है यानी कि अपने अगर बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो ये फंड थोड़ा कम रिटर्न दे पाया है। तो आपने अभी देखा कि जो ये रिस्क रेशियोज है इस फंड के बारे में क्या बताते हैं। देखिए अगर हम शॉर्ट में समझें कि जो ये फंड है SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है और बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने आते हैं, तो अगर आप इस फंड को इन्वेस्ट करने आते हैं तो इसमें आपका जो एलोकेशन होना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 15% होना चाहिए। 15% से ज्यादा इस सेक्टर में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंस का सेक्टर है इसमें आप मैक्स टू मैक्स 15% रख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ इस फंड में अगर आप अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट करिए। इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, जैसे कि आपने पिछले सालों में देखा 14-15% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि फाइनेंस के सेक्टर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये सेक्टर पूरा सेक्टर ही गिर जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले समय कोविड-19 के समय में जो फाइनेंस का सेक्टर था वो बहुत ज्यादा गिर गया था। उस टाइम तो पूरी मार्केट ही गिर गई थी, लेकिन अगर आप फाइनेंस के सेक्टर की बात करें तो देखिए बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा गिर गए थे, 25-25, 30-30, 40-40% गिर गए थे। तो अगर 2020 के बात करें तो 2020 के जो फर्स्ट क्वार्टर में इस सेक्टर का जो डाउनवर्ड हुआ था वो करीब 35% के आसपास हुआ था, लेकिन उसके बाद इसने अभी फिलहाल में ही अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाया है, इसलिए इसका जो रिटर्न आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप अगर थोड़ा बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस फंड में आप इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत लो है तो इस फंड से आप दूर ही रहें। आपका अगर रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज्यादा हाई है तो फिर आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने SBI के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में बात किया, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। अगर आपको इस फंड की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।